डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सो मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सो आज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को एकदम बेसिक तरीके से पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, और इस पे बेसिकली बहुत जो न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा इस पे पूछे जाएंगे। अगर हम जब हमारा ये जो चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम इस पे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि देखना, मैं आपको उस टाइम बता दूंगा कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगी उसमें देखना कितने न्यूमेरिकल होंगे। सो स्टार्ट करते हैं और दिस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल, सो ए पेयर ऑफ इक्वल एंड इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर चार्ज सेपरेट बाय स्मॉल डिस्टेंस टू इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। सो द मींस ए पेयर करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर चार्ज separated by small distance two. So means it electric dipole means मतलब जो equal magnitude and opposite charge distance is two है। So जो अगर कोई भी जो दो charge होंगे equal magnitude के and उनका जो नेचर होगा वो होगा अपोजिट, जैसे 1+ तो सेकंड माइनस, एंड सेपरेटेड बाय टू ए डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डिस्टेंस। ये हमने यहाँ पर 2a, यहाँ पर हम 2a भी ले सकते हैं, डेफिनेशन a भी ले सकते हैं, पर हमें ज्यादा कर न्यूमेरिकल हम सोल्व करेंगे तो हमें हाफ डिस्टेंस लेनी होगी, तो हम इसको a बाय 2 करके जो इसका डिस्टेंस लेंगे तो वो हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। सो हमने यहाँ पर a लेने की बजाय ओनली 2a लिया है। सो इसके अलावा इसका कोई और रीजन नहीं है, ये हमने खुद लिया है 2a। सो जो यहाँ पर एक पोल बन जाएगा, केमिस्ट्री में भी हमने पढ़ा होगा पोल। सो यहाँ पर देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो चार्ज का सेपरेशन हो गया ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एक और पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। सो यहाँ पर एक पोल बन गए तो उसे डायपोल बोलेंगे। अब इसके बाद में होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जो डायपोल के लिए फॉर्मूला होगा वो उसी में होगा। सो charges of a dipole। so यहाँ पर either charge होगा। so definition होगी electric dipole moment की, product of either charges and distance between two charges of a dipole is called electric dipole moment। means जैसे मैं आपको diagram बनाता हूँ, Q, so plus Q and minus Q and 2 है। so इसके लिए हमें देखो definition से देखते हैं, product of either charges, same charge, इस charge या इस charge का product, तो हम Q को ले लेते हैं। Q का product distance between two charges of a dipole, dipole हो गया
डायपोल में बिटवीन जो चार्ज होगा उसका प्रोडक्ट मीन्स टू ए इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसको हम डिनोट करते हैं पी से। सो जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा वो होगा पी इंटू क्यू इंटू टू ए। सो इसके लिए जो यूनिट होगी कूलम्ब इंटू मीटर। ये हो गई इसके लिए यूनिट हो गई। एंड इसके लिए जो यूनिट हो गई ये हो गई कूलम्ब इंटू मीटर। एंड जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव मीन्स इसकी डायरेक्शन होगी इधर नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखी थी वो जस्ट अपोजिट थी, वो थी पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो ऐसे थी। सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो यहाँ पर हम वेक्टर जरूर शो करेंगे। सो